नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आपको लगा होगा बहुत दिन के बाद बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन के बाद सामने आके बता रहे हैं। तो हाँ, टॉपिक भी वैसा है और बहुत लोगों का मेरे को फोन भी आया, कुछ लोगों का मेरे को मैसेज भी आया है, सर बोर्ड पे पढ़ाइए। तो मैंने सोचा जो टॉपिक बोर्ड पे पढ़ाने के है तो वो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जो अपने को पीपीटी के माध्यम से अच्छा लगता है वो आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों का फोन आया, मैसेज आया कि सर रिस्क असेसमेंट का अपने को एक वीडियो बनाओ। लेकिन रिस्क असेसमेंट पढ़ने के लिए, रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं वह पढ़ने के लिए रिस्क मैट्रिक्स या उसको कुछ लोग बोलते हैं रिस्क रेटिंग की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने पहला टॉपिक लिया है रिस्क मैट्रिक्स। पहले आज हम लोग देखेंगे रिस्क मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैंने बोर्ड पे लिया है रिस्क असेसमेंट का टॉपिक। मैंने हीरा का टॉपिक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हीरा के टॉपिक में भी मैंने रिस्क मैट्रिक्स बताया है, वो भी आप देख ले लो। तो चलो आज समझ के लेंगे रिस्क मैट्रिक्स या रिस्क रेटिंग कैसे निकालते हैं। रिस्क कैसे निकालते हैं, सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। अभी सिवियरिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है समझ के लेते हैं। रिस्क मैट्रिक्स निकालते समय एक टेबल बनाते हैं, यह एक टेबल है उसमें हम रिस्क की लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल कैसे निकालते हैं आगे देख लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स क्या है, यह एक टेबल होता है जिसमें क्या करते हैं रिस्क की लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क कैसे निकालते हैं, सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। चलो समझ के लिखते हैं सिवियरिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। ये देखो सिवियरिटी, इससे यह पता चलता है कि 1000 से अपना नुकसान कितना होगा। सिवियरिटी से क्या पता चलता है, 1000 से अपना नुकसान कितना होगा, आगे एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हो। और प्रोबेबिलिटी से क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी बोले तो क्या चांस, उसको बोलते हैं लाइकलीहुड। इससे यह पता चलता है कि 1000 होने का चांस कितना है, यह एक्टिविटी कर रहे यह काम कर रहे तो 1000 होने का अपना चांस कितना है। सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी में यह फर्क है। तो चलो एग्जाम्पल के साथ, और एक इधर दिया है ना एक टेबल है, टेबल के साथ हम लोग समझ के लेते हैं सिवियरिटी कैसे गिनने का, प्रोबेबिलिटी कैसे गिनने का है, उसके ऊपर रिस्क लेवल कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इधर इमेज निकाला है, स्कैफोल्ड का इमेज निकाला है, आपको समझाता हूं। ये एक नंबर का स्कैफोल्ड है, ये दो नंबर का स्कैफोल्ड है, इसमें भी आदमी काम कर रहा है, इसमें भी आदमी काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, चढ़ने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है, जो सपोर्ट दिया है उसके ऊपर से आदमी लटकते लटकते यार इधर काम कर रहा है, और जो सेफ्टी बेल्ट लटकाया हुआ है वो खुद डायरेक्ट स्कैफोल्ड को ही लटकाया हुआ है। और दूसरे इमेज में मैंने ऐसे दिखा है, इधर भी आदमी काम कर रहा है लेकिन सेफ्टी बेल्ट है, तो माथे के ऊपर एक स्कैफोल्ड एक्सटेंड किया है और उसको प्रॉपरली लटकाया हुआ है। ऊपर जाने के लिए बाजू से सेफ एक्सेस दिया है, लैडर दिया है, और ऊपर फिर लैंडिंग के लिए जगह दिया है, और उसके बाद लोकेशन पे प्लेस पे जाने के लिए अंदर स्कैफोल्ड पे जाके खड़ा हुआ है। तो ये सेफ स्कैफोल्ड है, ये थोड़ा सा अनसेफ स्कैफोल्ड है, इधर इधर भी आदमी काम कर रहा है, इधर भी आदमी काम कर रहा है, ऐसे दिखाता है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी। ये टेबल है, रिस्क का टेबल है, सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, तो क्या निकलेगा, रिस्क मिलेगा अपने को। ये रिस्क का टेबल है तो इसमें रेटिंग दिया हुआ रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये कंपनी चेंज होगा तो रेटिंग कुछ कुछ कंपनी में 3 तक है, कुछ कुछ कंपनी में 7 तक है, कुछ कुछ कंपनी में 10 तक है। प्रोबेबिलिटी रेटिंग 10 है तो सिवियरिटी की रेटिंग भी 10 है। अब ये रेटिंग कैसे देने का हम लोग देखते हैं। सिवियरिटी में हमने क्या देखा है, नुकसान कितना होगा ये पता चलता है। अभी इसके ऊपर आदमी काम करेगा, अनसेफ स्कैफोल्ड के ऊपर काम करेगा तो साहजिकता है एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसके ऊपर से आदमी को एक्सीडेंट होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी के चांस है, ये स्कैफोल्ड इस्तेमाल किया तो चांस एक्सीडेंट होने का ज्यादा है, क्योंकि सेफ एक्सेस नहीं है, चढ़ते समय में गिर सकता है। स्कैफोल्ड गिर गया तो सेफ्टी बेल्ट उधर ही लटकाया हुआ है, वही स्कैफोल्ड को लटकाया हुआ है, इसलिए आदमी को झटका ज्यादा बैठ सकता है, आदमी गिर भी सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस ज्यादा है तो यह स्कैफोल्ड इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितना पकड़ेंगे, रेटिंग कितना पकड़ेंगे, 5। ऊपर ध्यान दीजिए, 5 रेटिंग पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सेफ एक्सेस नहीं है, आदमी लटका के जा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग की जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म ठीक से नहीं है, इसलिए उसका चांस ज्यादा है। और सिवियरिटी
कैसे पकड़ेंगे, नुकसान कितना होगा, अनसेफ पे तो नुकसान भी ज्यादा होगा, तो सिवियरिटी भी पांच पकड़ेंगे, पांच इंटू पांच, क्योंकि हाई लेवल है, कुछ भी नहीं है ना, सेफ एक्सेस है ना, सेफ प्लेटफॉर्म है ना, ऊपर जाने के लिए सही रास्ता है ना, सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग के लिए कुछ उसने प्रॉपरली जगह दिया है, इसके लिए चांसेस भी लाइकलीहुड भी ज्यादा है और नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए पांच पांच पकड़ा, पांच इंटू पांच कितना आया, 25 रेटिंग आया, किसका आया, ए स्कैफोल्ड जब इस्तेमाल करोगे, वर्किंग में इस्तेमाल करोगे तो इसका रेटिंग आया 25। अभी वो आगे कैसे गिनने के वो भी मैं बताता हूं। चलो दूसरा है सेफ स्कैफोल्ड, जब सेफ स्कैफोल्ड इस्तेमाल करोगे, जाने के लिए सही रास्ता है, खड़ा रहने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म तक जाने के रास्ता है, सेफ्टी बेल्ट बराबर एंकरिंग किया हुआ है, ऊपर प्लेटफॉर्म से एंकरिंग किया है, सपोर्ट बराबर मारा हुआ है, तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना है, लाइकलीहुड चांसेस एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए क्या किया है, दो रेटिंग दिया है। आगे लेते हैं, दो रेटिंग दिया क्योंकि सब प्रोवाइड किया हुआ है, सब सेफ है इसलिए, और सिवियरिटी क्या है, नुकसान कितना होगा, सब अच्छा सपोर्ट है, सही रास्ता है, सेफ्टी बेल्ट ठीक से एंकरिंग किया है, प्लेटफॉर्म हिल नहीं रहा है, स्कैफोल्ड हिल नहीं रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, चांसेस कम है तो नुकसान भी कम होगा, इसलिए सिवियरिटी भी दो पकड़ेंगे, दो इंटू दो कितना हो गया, चार हो गया। तो चलो ये आप लोग समझ लिए, अभी 25 और 4 ये रेटिंग आया, तो उसमें कैसे ये करने का कि अपने को रिस्क मैट्रिक्स क्या है, रिस्क की लेवल क्या है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1 to 5 तक पॉइंट दिए, 1 to 10 तक पॉइंट दिए, 1 to 3 तक पॉइंट दिए, अपने यहां 1 to 5 तक दिया है, तो बहुत कंपनी में 1 to 5 तक ही रेटिंग रहता है प्रोबेबिलिटी में और सिवेरिटी में, तो इसमें हम देखते हैं, देखो 0 to 5 तक जब रेटिंग आता है तो स्मॉल में पकड़ते हैं, 5 to 11 तक आता है तो मॉडरेट में पकड़ते हैं, 11 to 19 आता है तो हाई में पकड़ते हैं, और 20 to 25 में आता है तो वेरी हाई में पकड़ते हैं। तो ए स्कैफोल्ड इस्तेमाल करेंगे तो 25 आया है, तो 25 किस में आया, 20 to 25 वेरी हाई रिस्क है, वेरी हाई चांस है इसके ऊपर से एक्सीडेंट हो गया, कि चांस है कि एक्सीडेंट हो सकता है, 25% चांस है, और सिवियरिटी क्या है, नुकसान होगा ही होगा, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया है तो नुकसान होगा ही होगा, कितना नुकसान होगा तो रेटिंग के ऊपर डिपेंड है, 25% या 25 बोले तो वेरी हाई लेवल तक अपने को एक्सीडेंट हो सकता है या नुकसान हो सकता है। और दूसरा आया, 4 आया, 4 किसमें आया, 0 to 5 स्मॉल बोले या नॉर्मल बोल सकते हैं उसको, 0 to 5 बोले तो नॉर्मल है, यह अच्छी तरीके से स्कैफोल्ड इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें तो 0 to 4 में आया है तो स्मॉल में आया है, नॉर्मल रिवेलिटी में आया तो नुकसान होने के चांस स्मॉल है, नॉर्मल है, नहीं के बराबर है, और सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी में जो दिया है, जो ये स्कैफोल्ड इस्तेमाल करोगे तो नुकसान नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है, और चांस भी बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क रेटिंग, इसके ऊपर ही आगे का टॉपिक में बनाने वाला हूं रिस्क असेसमेंट, इसलिए यह टॉपिक अच्छी तरीके से देखिए, नहीं समझा तो 2 बार देखिए, नहीं समझा होगा ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो चलो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक में, रिस्क असेसमेंट टॉपिक में, तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक